sorry, fluid mechanics. देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नहीं है मतलब, चलो क्वेश्चन ही मान लो। इस तरह से एक पाइप है मेरे पास और इस पाइप में यहां से लेके यहां तक अलग लिक्विड है, इसकी लेंथ है L1, इसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो वन, ये ओपन है, इधर से भी ओपन है, इसमें अलग लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है रो टू, इसकी लेंथ है L2, और इसमें आपका अलग लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है रो थ्री और इसकी लेंथ है एल थ्री। तो मुझे रिलेशन बताना है रो वन रो टू रो थ्री में रिलेशन क्या होगा, कि पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा, इधर भी थीटा। रिलेशन बिटवीन रो वन रो टू एंड रो थ्री, रो वन रो टू रो थ्री के बीच में क्या रिलेशन होगा ये बताना है हम लोगों को। कैसे करेंगे, चलो इसको मान लेते हैं वन, इस पॉइंट को मान लेते हैं टू। तो देखो यहां पर इस वन पर जो प्रेशर लग रहा होगा, एक तो यहां से प्रेशर लग रहा होगा, एक यहां से प्रेशर लग रहा होगा, तो दोनों प्रेशर इक्वल होंगे क्या? यहां से जो लिक्विड है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस लिक्विड इन लिक्विड का प्रेशर इस वन पर वो बराबर होगा इस लिक्विड के प्रेशर के बराबर। L1 रॉड से प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है। हाँ, ये आपका ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे इस तरह से रखा हुआ है और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है इस तरह से। अच्छा ओके सर, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है ना। ओके सर, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, वन पर प्रेशर को इक्वल करेंगे, इक्वलाइजिंग प्रेशर एट वन। तो देखो वन पर जो प्रेशर होगा, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्योंकि ओपन एंड है, प्लस इतने लिक्विड का प्रेशर, ये माइनस करेंगे यहां पर या प्लस करेंगे? सर माइनस, प्लस माइनस करेंगे ना, क्योंकि नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है। यस सर। तो वन पर इस इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट के कारण जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी नॉट माइनस रो वन। अब इसकी हाइट लेनी पड़ेगी हमें, एल वन दे रखा, ये कितना होगा, एल वन कॉस थीटा। हाँ सर। तो रो जी एल वन कॉस थीटा, क्या ये बात समझ में आई आपको? लेफ्ट की तरफ से प्रेशर इस पे लगेगा, P नॉट माइनस रो वन जी एल वन कॉस थीटा, ये बात समझ में आई? हाँ सर। राइट की तरफ से कितना प्रेशर लगेगा, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, अब बताओ इतने लिक्विड के कारण हमें प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है? सर, रो थ्री के कारण बढ़ेगा ये लिक्विड, यहां पर प्रेशर बढ़ा रही है घटा रही है? बढ़ा रही है सर, बढ़ा रही है। रो थ्री अगेन, ये एंगल भी थीटा, तो कितना होगा, ये भी एल कॉस थीटा होगा, सॉरी एल थ्री कॉस थीटा होगा।
रो थ्री एल थ्री कॉस थीटा, और ये वाला लिक्विड रो टू, हाँ सर, ये घटा रही है रो टू एल टू, सॉरी मैं जी भी लिखना था, रो टू जी एल टू कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो P नॉट से P नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन आएगा दोनों के बीच में, रो वन रो टू रो थ्री के बीच में ये रिलेशन होगा। ये क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो आगे देखें, नोट कर लिया इसको? नो सर, कर रहे हैं, एक मिनट सर। जी कांस्टेंट है ना? हाँ, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सर, तो कट नहीं जाएगा? जी जी कट जाएगा ना, जी जी भी कट जाएगा, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है? ओके सर। हो गया सर? एंगल्स नहीं कट सकते ना? एंगल कॉस थीटा, कॉस थीटा सब में कॉस थीटा है। हाँ सर, करते हैं इसको, पूरा सॉल्व करेंगे। देखो जी कॉस थीटा, जी जी इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, जी इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, जी इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है। तो यहां से हो जाएगा माइनस रो वन एल वन इक्वल टू रो थ्री एल थ्री माइनस रो टू एल टू, तो फाइनली ये रिलेशन आएगा। ठीक है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग रिलेशन निकालने का। एक और क्वेश्चन देखो, इस तरह से कंटेनर है, यहां पर इस तरह से एक दूसरे कंटेनर से जुड़ा हुआ है, ठीक है? इस कंटेनर में रो वन लिक्विड का एक लिक्विड फिल है जिसकी डेंसिटी रो वन है, यस सर। यहां से इसकी इसका लेवल L1 है, ध्यान से देखना ये L1 है, और यहां से L2 से एक दूसरा लिक्विड है इसके अंदर जो यहां तक ही है, ठीक है? और इसमें रो थ्री लिक्विड है और इसकी हाइट जो है इसमें एल थ्री है। एल थ्री कहां से है देखते हैं तो रो थ्री वाला, रो टू वाला लिक्विड है, यहां से एल थ्री है, ये रो टू है बेटा। okay. ये कंटेनर ओपन है, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में यहां पर लिक्विड फंसा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो टू है। तो मुझे रिलेशन निकालना है रो वन रो टू रो थ्री के बीच में।
रो वन रो टू रो थ्री के बीच में रिलेशन निकालना है। रुको एक बार और देख लेता हूँ, L2 ये हो गया ठीक है। और ये आपका L4 है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? फाइंड रिलेशन बिटवीन रो वन रो टू रो थ्री। ठीक है कैसे निकालेंगे? तो हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने पॉइंट ले लिया इधर बी, क्या सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है? यस सर। यस सर। ये जो लिक्विड है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे प्रेशर क्या बराबर होगा? यस सर। यस सर। ठीक है तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? देखो ए पॉइंट पे प्रेशर, एक तो ये इतना लिक्विड इसको कंप्रेस कर रहा है प्लस इनका प्रेशर, ये लिक्विड ये लिक्विड। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग? ए पॉइंट पे प्रेशर सर एल टू रो वन जी इक्वल्स टू एल वन माइनस एल टू इनटू रो वन जी। एल टू रो वन जी इक्वल्स टू एल वन माइनस एल टू इनटू रो वन जी। ये रिलेशन आ रहा है? नहीं सर, मैंने फर्स्ट दो का रिलेशन लिखा है एल वन और एल टू में। नहीं, एरिया नहीं। तो ए पॉइंट की भी हाइट कितनी होगी? वहां से एल वन माना मैंने, एल वन प्लस L1 plus L4 minus L2। L1 plus L4। L1 के ऊपर का length कोई कोई जगह नहीं दिया हुआ है। L1 और A के बीच का distance। वो सर नहीं दिया। L1 plus L3 minus L4 minus L plus मतलब bracket में L4 plus L2। ठीक है, यहाँ पे दे नहीं रखा है बीच का पूरा हटा दो। देखो इसकी हाइट भी मान लो तो L2 मान लेते हैं, ठीक है। ये भी मैंने L2 मान लिया, ये मेरा L1 equals to 2L2 आया है। L1 equal to 2L2। हाँ सर। अच्छा ऐसा होगा L1 equal to 2L2। सर मैंने no, sir, L2 L2 रो 1G equals to L1 minus L2 into रो 1 into G equation यूज किया। कहाँ पे प्रेशर इक्वल कर कैसे निकाला है? सर व्हाट्सएप में सेंड करो। हाँ व्हाट्सएप में सेंड कर दे। चलो मैं देखो इधर
तो यहाँ पर जो ए पॉइंट पे प्रेशर है वो किसके कारण होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस इतने लिक्विड का प्रेशर, लेकिन इतने लिक्विड का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा और इस वाले लिक्विड का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ए पॉइंट पर जो प्रेशर है ये तो इसको एट पॉइंट ए पे देखे प्रेशर पी नॉट, ये तो पॉजिटिव में होगा, प्लस यहां तक का लेवल रो जी एल वन, लेकिन इस एल टू का प्रेशर इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस रो जी सॉरी रो वन आएगा था रो वन जी एल टू माइनस रो टू जी एल टू। ये प्रेशर आया लेफ्ट हैंड साइड के कंटेनर के कारण। अब राइट हैंड साइड से प्रेशर कितना होगा, तो बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, बी पॉइंट पर प्रेशर देखो इतना लिक्विड का प्रेशर माइनस इतने लिक्विड का प्रेशर प्लस ये कंटेनर का प्रेशर सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो थ्री जी एल थ्री माइनस सर म्यूट हो गया। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है जी जी कैंसिल हो जाएगा, रो वन एल वन रो वन एल टू रो टू एल टू रो थ्री एल थ्री माइनस रो थ्री एल फोर, ठीक है तो ये रिलेशन आ जाएगा।